ये मंदिर कितना पुराना है और किस प्रकार से यहाँ पे प्रतिष्ठापना जो है कराई गई है? मंदिर हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति है यहाँ पे। और बताते हैं पूर्व जो हमारे यहाँ के जो निवासी हैं गैपरा गांव के, वो बताते हैं कभी यहाँ पे गैपरा गांव बसा था तब पूर्वजों ने स्थापना कराई थी। और गुरु जी के यहाँ आने से पहले यहाँ पूरा जंगल था, खाली हनुमान जी की प्रतिमा थी, छोटा सा चबूतरा था, उससे नींव के वृक्ष के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा थी, ऐसा बताते हैं लोग। कितना पुराना मंदिर है ये? अभी लगभग इसका समय का तो पता नहीं है, कभी गांव बसा हो, हजारों साल पुरानी प्रतिमा बताते हैं हनुमान जी की। अभी ये शिव भगवान की बता रहे हैं कि ये जो शिव भगवान है कई सालों पुराने हैं और कांच जैसे दिखाई देते हैं, क्या मामला है? ये गुरु जी यहाँ आए थे और 2003 में इनकी स्थापना गुरु जी ने कराई थी, और उनको इसके बारे में जानकारी की और उन्होंने आराधना शंकर जी की प्रतिष्ठित करते हैं, तो इसलिए उन्होंने स्थापना का सोचा था। तो मन में विचार आया कि एक स्फटिक शिवलिंग की स्थापना की जाए, जो कि पुराणों में शंकर जी का स्वरूप इसी प्रकार का वर्णन है कि जो जैसे कपूर का जो वो होता है, ऐसे ही शंकर जी का निवास है। तो शास्त्रों के हिसाब से स्फटिक में स्वतः ही शंकर जी का निवास होता है। एक बार अगर स्थापना भी न की भी जाए तब भी उनमें उनका निवास स्वतः होता है। आदमी जो व्यक्ति इनकी दर्शन करता है या पूजन अर्चन करता है उसका बराबर फल मिलता है। जो दर्शन करने वालों को जो फल मिलता है वही पूजा करने वालों को फल मिलता है। कितने लोग यहाँ मंदिर पे आते हैं, दर्शन पाते हैं? दर्शन पाते हैं, आयोजन होते हैं तो काफ़ी दूर दूर से, विदेश से, देश देश विदेश से गुरु जी के भक्त आते हैं। और बाकी तो हनुमान जी की महिमा है तो शनिवार को परिक्रमा देते हैं लोग, और 7 परिक्रमा लगातार देने से, 7 शनिवार लगातार परिक्रमा देने से उनकी मनोकामना जो भी इच्छा होती है भगवान पूरी करता है। कभी इसी के प्रांगण में इनके दरबार में आने वाला व्यक्ति कभी निराश होकर नहीं गया। आपका क्या नाम है गुरु जी? अब हमारा नाम स्वामी भरतानंद भारती है जी। पुजारी हैं आप यहाँ? हाँ, गुरु जी के शिष्य हैं और पूजा पुजारी के रूप गुरु जी में का कार्य क्या नाम करते है? हैं। श्री श्री 1000 अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी पंचमानंद जी भारती। उन्हीं के सानिध्य में ये आश्रम चल रहा है? हाँ, उन्हीं के सानिध्य में आश्रम चल रहा है।